हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं एसएससी जीडी की जो पीटी एंड पीएसटी होने वाली है उसके डेट के बारे में। हम इस वीडियो में आप सबको सारा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं आखिरकार जो इसकी रिजल्ट जो आने वाली है, जिसमें दोस्तों आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी देखने के लिए मिलती है और फाइनल आंसर की भी उसी टाइम ही आपको देखने के लिए मिलती है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कब आएगा, इस वीडियो में हम सारा अपडेट देने वाले हैं। तो आप सब अंत तक बने रहिएगा। और जो भी कैंडिडेट अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं, सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, उससे पहले हम आपको एक और अपडेट दे देना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, उससे पहले हम आपको बता दें जो कि कास्ट सर्टिफिकेट के रिलेटेड काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मन में अभी भी डाउट्स हैं, जो कि दोस्तों आपको कास्ट सर्टिफिकेट कौन सी लेकर जानी है फिजिकल के टाइम में। आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, एसएससी जीडी की सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। तो जितने भी कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो आपको सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंशन होगा, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड आप जब जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का यहाँ पर दोस्तों नाम यहाँ पर जिक्र होगा, मतलब जिक्र ही नहीं होगा, डायरेक्ट इंडिया का ही जिक्र होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी तरह का ही दोस्तों आपका सर्टिफिकेट में होगा, तभी वैलिड होगा। और दोस्तों जितनी भी आपका सर्टिफिकेट होती है सेंट्रल लेवल की, सारा कुछ इंग्लिश में ही आपको देखने के लिए मिलती है। हिंदी फॉर्मेट में दोस्तों आप लेकर नहीं जाइएगा, इंग्लिश फॉर्मेट में ही लेकर जाइएगा। और दोस्तों जो आप सर्टिफिकेट लेके जाएंगे वो क्लोजिंग डेट से पहले के ही बनी होनी चाहिए, आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों अगला जो डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान रखनी है, हम आपको दोस्तों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं जो आपको जरूरी ही है फिजिकल के टाइम में, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं आचरण प्रमाण पत्र। आचरण प्रमाण पत्र आपको लेकर जानी है, वो भी दोस्तों आपको पता है कि इसकी वैलिडिटी 6 महीने ही होती है, नया वाला ही आपको बनाकर लेके जाना है, जो कि दोस्तों आपके थाना से ही बनेगा। जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट के नीचे में भी मेंशन किया गया है कि सर्टिफिकेट इज़ वैलिड फॉर 6 मंथ ओनली द डेट ऑफ द इशू। जिस डेट से यह सर्टिफिकेट इशू होती है उसे 6 महीने ही वैलिडिटी होती है, और दोस्तों इसमें ज़्यादा और भी वैलिडिटी नहीं होती। बाकी दोस्तों हमने आपको दो डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए हैं, और भी दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स कौन सी लेकर जानी है आपको पता ही होगा। बाकी दोस्तों 10th 12th के सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ये सब आपको लेकर जानी है। फोटो दोस्तों 5+ आपको लेकर जानी है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सारा कुछ लेकर जाइएगा। अब चलिए दोस्तों फाइनली हम आपको बता देते हैं कि इसका दोस्तों जो फिजिकल का डेट है सो दोस्तों कब है। सबसे पहले दोस्तों इसकी रिजल्ट के ही बारे में बात कर लेते हैं। इसकी रिजल्ट दोस्तों मई के लास्ट में, जी हाँ दोस्तों मई की लास्ट वीक, यानी कि दोस्तों लास्ट मई तक आपका इसका फाइनल रिजल्ट, जो इसमें दोस्तों आपको जो मेरिट लिस्ट रिलीज होती है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसकी जो रनिंग स्टार्ट होने वाली है सारा कुछ दोस्तों अपडेट के आधार पर ही आपको बताने वाले हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों जून के लास्ट वीक तक, जी हाँ दोस्तों जून के पहले वीक तक ही, दोस्तों मई के लास्ट या फिर जून के फर्स्ट वीक तक ही आपको अपना रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा एसएससी जीडी 2024 का। और दोस्तों जून के लास्ट वीक तक ही आपका फिजिकल स्टार्ट होने वाली है, बिल्कुल भी दोस्तों आपका टाइम नहीं लगने वाला फिजिकल में। 1 महीने के अंदर ही दोस्तों आपका सारा कुछ अपडेट हो जानी है कि आपका फिजिकल कब होगा। उससे पहले ही दोस्तों आप सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रख लीजिए, और अगर आप रनिंग करना छोड़ दिए हैं तो फटाफट से आप रनिंग भी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द ही दोस्तों आपका रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगी इसकी ऑफिशियल साइट पर। और दोस्तों जब भी रिजल्ट इसकी रिलीज होती है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। जय हिंद साथियों, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।